हेलो फ्रेंड्स, मैं अब्दुल रहमान आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल ICBM टेक्नोलॉजी में। तो फ्रेंड, आज मैं बताऊंगा आपको बेसिक फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के बारे में। तो फ्रेंड, पिछली वीडियो में मैंने आपको HTML स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि बॉडी टैग के अंदर हम जो भी टेक्स्ट को इंसर्ट करते हैं वह टेक्स्ट वेब पेज पर शो होता है। तो फ्रेंड, चलो बॉडी टैग के अंदर टेक्स्ट को इंसर्ट करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड, ये मैंने टेक्स्ट इंसर्ट करा, तो अब इसे रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड, ये मैंने टेक्स्ट इंसर्ट करा था बॉडी टैग के अंदर, ये हमारे वेब पेज पर शो हो चुका है। तो फ्रेंड, अब हम जानते हैं BR टैग के बारे में कि BR टैग क्या होता है, इसे किस लिए यूज़ में लिया जाता है। तो चलो फ्रेंड, BR टैग देख लेते हैं। तो फ्रेंड, BR टैग हमारा वेब टैग होता है, जिसका यूज़ लाइन को ब्रेक करने के लिए किया जाता है। ये एक एम्प्टी टैग होता है, इसकी ओपनिंग होती है लेकिन क्लोजिंग नहीं होती। तो फ्रेंड, मैंने कैन के बाद BR लगाया है, तो इसके रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड, जैसे हम इसे रन करेंगे तो हमारा टैग्स लाइन ब्रेक हो जाएगी और टैग्स हमारा नीचे आ जाएगा। तो फ्रेंड, हम BR टैग के बारे में जान चुके हैं, अब हम जानते हैं फॉर्मेटिंग टैग के बारे में कि फॉर्मेटिंग टैग क्या होते हैं, इसे किस लिए यूज़ में लिया जाता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम जानते हैं बोल्ड टैग के बारे में कि बोल्ड टैग क्या होता है। तो फ्रेंड, बोल्ड टैग हमारा वेब टैग होता है, जिसका यूज़ टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने लिखा दिस इज ए बी टैग, तो फ्रेंड ये कंटेनर टैग होता है, इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों की जाती है। तो इसकी हम क्लोजिंग कर देते हैं, इसे रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड, हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड होके आ चुका है, आप देख सकते हो हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है। तो फ्रेंड, ये हमारे एक ही लाइन में शो हो रहा है, तो इसे नीचे लाने के लिए, लाइन को ब्रेक करने के लिए हमें BR लगाना पड़ेगा। तो BR एक एम्प्टी टैग होता है, इसकी ओपनिंग होती है लेकिन क्लोजिंग नहीं होती। जैसे हम रन करेंगे हमारा टेक्स्ट नीचे आ जाएगा। तो फ्रेंड, हम एक बार और BR लगा चुके हैं, BR लगा देते हैं। अब हम जानते हैं इटैलिक टैग के बारे में कि इटैलिक टैग क्या होता है। तो फ्रेंड, इटैलिक टैग हमारा वेब टैग होता है, जो टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। जैसे कि मैंने लिखा दिस This is a italic tag। तो फ्रेंड, ये भी एक कंटेंट टैग होता है, इसकी भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों होती है। तो फ्रेंड, जैसे हम इसको रन करते हैं तो हमारा टैग तिरछा हो जाता है, जो भी हमने टैग्स लिखा है वो तिरछा हो चुका है। अब हम जानते हैं अपने नेक्स्ट टैग के बारे में, जो कि है अंडरलाइन टैग्स। उससे पहले BR की ओपनिंग कर लेते हैं। अंडरलाइन टैग क्या होता है? अंडरलाइन टैग हमारा वे टैग होता है, जो टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है, मतलब टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने टेक्स्ट टाइप किया तो फ्रेंड, अंडरलाइन ये कंटेनर टैग होता है, इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों होती है। फ्रेंड, उसको रन करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो जो भी टेक्स्ट हमने टाइप किया था उसके नीचे एक लाइन आ चुकी है। अब हम जानते हैं हमारे नेक्स्ट टैग के बारे में। तो फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट टैग है सबस्क्रिप्ट, जिसका यूज़ टेक्स्ट को बेसिक लाइन से थोड़ा नीचे लाने के लिए किया जाता है। जैसे कि फ्रेंड, मैंने टेक्स्ट लिखा H2SO4, तो फ्रेंड उससे पहले हम सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं और इसकी क्लोजिंग कर देते हैं, इसे रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो जो हमने टेक्स्ट लिखा है टू पे हमने सबस्क्रिप्ट लगाया है, जो बेसिक लाइन से थोड़ा नीचे आ चुका है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टैग आता है, उससे पहले हम BR की ओपनिंग कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट टैग आता है सुपर स्क्रिप्ट, जिसका यूज़ टेक्स्ट को बेसिक लाइन से थोड़ा ऊपर ले जाने के लिए किया जाता है। जैसे कि H2SO4 ये टेक्स्ट लिख दिया तो हम टू पे लगा देते हैं सुपर स्क्रिप्ट और इसकी क्लोजिंग कर देते हैं, इसे रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो हमने टू पर सुपर स्क्रिप्ट लगाया तो वो बेसिक लाइन से थोड़ा ऊपर आ चुका है। तो अब हम नेक्स्ट टैग की तरफ बढ़ते हैं, जो टैग है हमारा HR टैग। उससे पहले हम BR की ओपनिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड, HR टैग क्या होता है?
HR टैग हमारा वह टैग होता है जिसका हॉरिजॉन्टल लाइन शो करने के लिए किया जाता है। ये एक एम्प्टी टैग होता है, इसकी ओपनिंग होती है लेकिन क्लोजिंग नहीं होती। जैसे कि HR की ओपनिंग करी और इसे रन करा, तो फ्रेंड आप देख सकते हो हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो हो चुकी है। तो फ्रेंड अब चलते हैं हम नेक्स्ट टैग की तरफ जो है हेडिंग टैग। तो फ्रेंड हेडिंग टैग का यूज़ हेडिंग बनाने के लिए किया जाता है। ये H1 से H6 तक होते हैं। फ्रेंड इसकी H1 साइज सबसे बड़ी होती है और H6 सबसे छोटी होती है। जैसे कि इसमें मैंने डाटा लिखा हेडिंग टैग, तो फ्रेंड इसकी क्लोजिंग कर लेते हैं और इसे रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड ये इसकी सबसे बड़ी साइज़ होती है। अब हम इसकी सबसे छोटी साइज़ का यूज़ करते हैं जो है H6। इससे पहले BR की ओपनिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड अब यूज़ करते हैं H6 का। फ्रेंड इसकी क्लोजिंग कर लेते हैं, इसे रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो H1 की सबसे बड़ी साइज़ होती है और H6 की सबसे छोटी साइज़ होती है। तो फ्रेंड अब हम जानते हैं हमारे नेक्स्ट टैग के बारे में जो है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग का यूज़ पैराग्राफ देने के लिए किया जाता है। इससे पहले हम BR की ओपनिंग कर देते हैं। फ्रेंड ये हमारा पैराग्राफ टैग, इसमें हम डाटा लिख देते हैं दिस इज़ ए पैराग्राफ टैग। फ्रेंड इसकी क्लोजिंग कर देते हैं क्योंकि ये कंटेनर टैग होता है। इसे रन करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो ये हमारा यहाँ से एक पैराग्राफ बन चुका है। हमें इसमें BR लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम BR भी हटा देंगे तो ये हमारा पैराग्राफ रहेगा, आप देख सकते हो फ्रेंड। तो फ्रेंड नेक्स्ट टैग आता है हमारा फॉन्ट टैग, जिसका यूज़ टेक्स्ट पर बेसिक फॉर्मेटिंग करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं फॉन्ट साइज, इसमें हम फॉन्ट की साइज दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ टाइप किया 6 font size, तो इसे क्लोजिंग कर देते हैं फ्रेंड। फ्रेंड रन करके देखते हैं इसे। तो फ्रेंड आप देख सकते हो हमने फ्रेंड इसकी फॉन्ट की साइज बढ़ा चुके हैं। अगर हम फॉन्ट की साइज़ कम करना चाहते हैं तो यहाँ से हम फॉन्ट की साइज़ कम कर सकते हैं। ये हमारे फॉन्ट की साइज़ कम हो चुकी है, हम इसे बढ़ा लेते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट आता है हमारा फॉन्ट स्पेस। फॉन्ट स्पेस के अंदर हम फॉन्ट का फेस चेंज कर सकते हैं। जैसे कि दिस इज ए फॉन्ट फेस। फ्रेंड्स की क्लोजिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम जो भी फॉन्ट फेस देना चाहते हैं, जैसे कि मैं देता हूँ एरियल, फ्रेंड इसका फॉन्ट साइज चेंज हो जाएगा। फ्रेंड देख सकते हो आप, इससे पहले हम इसमें BR लगा देते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर का यूज फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए किया जाता है। ये भी एक कंटेनर टैग होता है फॉन्ट कलर। जैसे कि मैंने दिया ब्लू, फॉन्ट टाइप कर दिया मैंने दिस इज ए फॉन्ट कलर, इसकी क्लोजिंग कर देते हैं।
तो फ्रेंड फोन की क्लोजिंग कर देते हैं, इसे रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो हमारे फोन का कलर चेंज हो चुका है। इससे पहले हम प्यार लगा देते हैं। तो फ्रेंड वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।